नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देखते रहिए TV20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर नहलपुरिया के पूर्व पांडे का पूर्वा पुलिया के पास दुपट्टे के सहारे पेड़ पर फांसी लगी कृत्रिम की लाश की सूचना पर पहुंची रौनापार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मौत की सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने अज्ञात घटना का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर नहरपुलिया के पूर्व पांडे का पूर्वा की तरफ से स्थित पेड़ पर दुपट्टे के सहारे कृत्रिम की फांसी लगाकर लास्ट शुक्रवार की सुबह सड़क के किनारे स्थानीय लोगों ने देखी। इसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर लाठघर चौकी इंचार्ज सौरभ कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंच गए। पुलिस ने उनकी शिनाख्त राजू उर्फ शाह आलम उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी आदर्श नगर थाना जीनपुर आजमगढ़ के रूप में हुई। वहीं मृतक वर्षों से लाठघाट कस्बे में किराए के मकान में रहता था। वहीं कृत्रिम बनकर लोगों से नचैया गवैया बजाकर पैसा कमाने का कार्य करता था, जिसकी फांसी लगाकर मौत की सूचना पर लाठघर बाजार उसके परिवार में कोहराम मच गया। सैकड़ों की संख्या में घटनास्थल पर भीड़ जुट गई थी। वहीं सूचना पर महुला चौकी इंचार्ज उमेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़ा है। मृतक के पास से 2 बच्चे सैफ और कैफ हैं। मृतक के दुर्घटना का समाचार मिलने पर जीएनपुर स्थित आदर्श नगर परिवार व क्षेत्र में कोहराम मच गया।